हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने एक मॉक दिया था प्रीवियस ईयर का। अभी मैं प्रीवियस ईयर को क्यों टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि TCS ही पेपर बना रहे हो। तो प्रीवियस ईयर में अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आपका क्या स्कोर आ रहा है वो मायने रखता है। तो अभी मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि CGL के जितने टफ शिफ्ट के पेपर थे 2018 से 2020 से लेकर, है ना, उन सभी को मैं दे रहा हूँ। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे एटलीस्ट 140 प्लस ही मार्क्स रहे, मतलब 140 प्लस आए ही आए, है ना, किसी भी तरह करके। तो अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है 2020 और 21 का पेपर, है ना। और मैंने जो पेपर दिया था वो था 17 अगस्त शिफ्ट टू का। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही ये रहा 17 अगस्त शिफ्ट टू का पेपर था। हो सके तो आप लोग ये मॉक ज़रूर देना, है ना। ये टफ शिफ्ट का पेपर है, अगर इसमें आपके 130 135 140 नंबर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत नहीं लेकिन हाँ अच्छे नंबर हैं, आप सेफ स्कोर पे हैं, है ना। आपको टेंशन लेने की ज़्यादा नीड नहीं है, बस आप मॉक देते रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना, ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। तो चलिए देखते हैं एनालिसिस पूरा कैसा क्या है। मेरे नंबर है 144.5 नंबर है और 228 मेरी रैंक है। ओवरऑल 3,152 लोगों ने अभी तक ये मॉक दिया हुआ है ना। चलिए ओवरऑल देखते हैं क्या एनालिसिस है इसमें। तो आप देख रहे होंगे मेरी रैंक दिख ही रही है आपको ना, 3,152 लोगों में 228 रैंक है, 144.5 नंबर है। मैंने ओवरऑल अटेम्प्ट जो किए थे 86 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और परसेंटाइल देख सकते हैं 92.8 परसेंटाइल है। ये जो ये है ना एक्यूरेसी 87.21%, ये थोड़ी मतलब 90+ ही रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, कि 90+ एक्यूरेसी रखना सही रहेगा। इससे क्या है ना कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके कुछ नंबर फंस जाते हैं, दिक्कत कर जाते हैं। तो हो सके तो 90+ ही रखने की कोशिश करिएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपना इम्प्रूव कर सकूँ ना। तो अगर ओवरऑल देखें तो मेरा रीजनिंग में 39 नंबर है। मैंने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं निकल रहे थे, था ये टिपिकल पेपर था थोड़ा सा। तो दो क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। ओवरऑल मेरे 39 नंबर है और 29 मार्क्स हैं मेरे GS में, 14.5 मेरे मार्क्स हैं मैथ्स में। मैथ्स इसकी बहुत टफ नहीं थी, मॉडरेट लेवल थी, बट लेंदी थी थोड़ी सी, मतलब क्वेश्चंस बहुत लेंदी लेंदी लिखे हुए थे। क्वेश्चंस थे बहुत इजी थे, मतलब कि अगर आप एक बार पूरा पढ़ ले रहे हैं तो क्वेश्चंस हुए जा रहे हैं, बट थोड़ी सी लेंदी टाइप थी। तो मेरे 3 क्वेश्चंस छूट गए थे, टाइम कम पड़ गया था। और 22 क्वेश्चंस में मेरे एक क्वेश्चन गलत है और 21 क्वेश्चन सही है ना, 41.5 मार्क्स है। कोशिश ये करना है कि 45 से नीचे ना जाए, कैसा भी पेपर है, बट ठीक है, हो रहा है, क्या कर सकते हैं। और इंग्लिश में मेरे मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं 35, नहायती गंदा यही गया है ना। तो ओवरऑल 144.5 मार्क्स हैं। अच्छा, आपको कट ऑफ यहाँ पे दिख रही होगी, मैं जूम करूँ तो 147 से लेके 150 कट ऑफ गई है। बट शुभम जैन सर के अकॉर्डिंग जब मैंने ये एनालिसिस पूरा चेक किया था कि मतलब कौन कौन सा टफ शिफ्ट का पेपर है, तो उसमें इस पेपर में सर ने बोला था कि अगर आपके 130 135 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर पे हैं, आपका सही जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल ये पेपर था, है ना, ये एनालिसिस था। आप लोग 17 अगस्त, मैं फिर से एक बार डेट पूरा बता देता हूँ ना, कौन सा पेपर है 2020-21 वाले, आप उसमें जाएंगे तो 17 अगस्त शिफ्ट टू का पेपर है। आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको ये पेपर कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, टफ लगा, है ना। कुछ लोग होंगे जिनको बहुत ईजी लगेगा, है ना, तो आप लोग फिर अलग ही लेवल पे, है ना। आप लोग फिर SSC मत दीजिए, आप TCS की नौकरी करिए ना। नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है ना, अगर आपके 170 180 मार्क्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोगों के अगर कम मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मेहनत करते रहिए, मॉक देते रहिए, तैयारी करते रहिए, लक फैक्टर काम करता है, जिस दिन लक फैक्टर काम करेगा आपका हो जाएगा ना, तो हार मत मानिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।